आज मैं आपको पैसा बनाने का नजरिया बताऊंगा, पैसे को देखने का नजरिया बताऊंगा, जो कि मैंने रिच डैड और पुअर डैड किताब से सीखा है। रिच डैड और पुअर डैड के जो देखने का नजरिया है पैसे को, दोनों का अलग अलग है। वो कैसे देखते हैं पैसे को, मैं आपको बताता हूँ। एक कहता है कि तुम जो पैसा पैसा करते रहते हो, पैसे को लेकर जो तुम्हारा प्यार है, वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो इसी बात पर दूसरा भी यही बोलता है, पैसा ना होना ही प्रॉब्लम की जड़। पैसा आता है, पैसा चला जाता है, लेकिन जिसके पास पैसा पैसे को लेकर के अच्छी नॉलेज नहीं है, तो वो कभी भी पैसे से पैसा नहीं बना सकता। जिसके पास में अच्छी सी नॉलेज है, वो पैसे से ही पैसा बना सकता है। जिसके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, वो पैसे को लेकर के क्या करेगा, पड़ा है उसके जेब में सिर्फ रखने के लिए, वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास अच्छी नॉलेज है पैसे को लेकर के, वो पैसे से ही पैसा बहुत ज्यादा बना सकता है। वो लाख से 2 लाख बना सकता है, 2 लाख से 4 लाख भी बना सकता है, सिर्फ उतने ही पैसे। हर कोई अमीर बनने का सपना देखता है, पर कोई कुछ भी करना नहीं चाहता। अगर आप हर बार गिव अप कर देते हो जब भी लाइफ आपको पुश करती है, तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जब भी लाइफ आपको धक्का मार दिया ना, तो आप छोड़ देते हो, चलो छोड़ो, आप कुछ नहीं करना, बस इतना बहुत हो गया। समझ लेना, जब आपको लाइफ धक्का मारे ना, तो वो कुछ आपको बनाना चाहता है। गिव अप करके बैठना ही नहीं है। जो लोग गिव अप कर देते ना, वो लोग बहुत दिन चले जाते, उन्हें कामयाबी मिलती है। हमेशा याद रखना कि जॉब एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। जो आप नौकरी करते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। वो लाइफ टाइम के लिए नहीं है आपकी जॉब, उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों की जो दिमाग की प्रॉब्लम है, वो लॉन्ग टर्म है। लोगों के दिमाग की जो प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट टर्म नहीं है। उनकी जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा ही क्रिटिकल होती है, दिन पे दिन बदलती चली जा रही है। उनकी जो प्रॉब्लम होती है वो माइंड में छोटी सी रखते हैं, तो धीरे धीरे घर कर लेती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी बन जाती है। अपने दिमाग के अंदर सोचते रहते हैं अमीर कैसे बने, अमीर कैसे बने, करना कुछ नहीं चाहते, बस इनको अमीर बनना है। अपने आप को कोसना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम हूँ, तो आप मुझे बदल दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप अपने खुद के लिए एक प्रॉब्लम हो, तो अपने आप को बदल लो। समझे? लर्न समथिंग एंड ग्रो विशेष। हमारी जो सोसाइटी है वो लिटरेसी रेट पर फोकस करती है, फाइनेंशियल रेट पर नहीं करती है। स्कोलोटिक और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों ही जरूरी है, लेकिन हमें अपने प्रोफेशन से पैसा बनाना आना चाहिए। हर बार लोग अमीरों को सजा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी से भी शिकायत नहीं करते। वो मानते हैं कि उनके पास पैसों की ताकत है, लेकिन वो चीजों को बदलने का इरादा नहीं रखते। वो ऐसे होते हैं कि जैसे कोई चल रहा है और कोई उड़ रहा है। Every time people try to punish the rich don't simply complain. They react. They have power of money, and it's not change of things. It's like the difference between someone walking and someone flying. Rich dad हमेशा रॉबर्ट को यही सिखाते हैं कि knowledge is the power. कि ज्ञान ही ताकत है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है, उसके पास और ज्यादा ज्ञान आता है, लेकिन पैसों के साथ और भी ताकत बनती है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग।